नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गाजर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं एवं गाजर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं एवं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि गाजर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। गाजर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? गाजर आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। गाजर में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पोषक तत्व इस प्रकार हैं। एक, विटामिन ए। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि बनाए रखने, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। दो, विटामिन सी। गाजर में विटामिन सी होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है और स्वस्थ त्वचा के लिए कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। तीन, विटामिन K1। यह विटामिन रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्यामिन। गाजर थोड़ी मात्रा में विटामिन K1 प्रदान करती है। चार, पोटेशियम। गाजर पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, एक आवश्यक खनिज जो रक्तचाप, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांच, फाइबर। गाजर आहार फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन स्वास्थ्य, नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने और कब्ज और पेट के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। छह, एंटीऑक्सीडेंट। गाजर में बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन और जैक्सेंथिन सहित विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और पुरानी बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। सात, अन्य पोषक तत्व। गाजर में थोड़ी मात्रा में अन्य विटामिन और खनिज भी होते हैं, जैसे विटामिन ई, विटामिन B6, फोलेट और मैंगनीज। तो अभी हमने जाना है कि गाजर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि गाजर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। विजन इम्प्रूवमेंट। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। यह विटामिन अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर कम रोशनी की स्थिति में। यह रतौंधी और उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन जैसी स्थितियों को रोकने में भी मदद करता है। दो, एंटीऑक्सीडेंट गुण। गाजर में बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन और जैक्सेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। तीन, बूस्ट इम्यूनिटी। गाजर में विटामिन सी और विटामिन ई सहित विटामिन और खनिज एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान करते हैं। गाजर के नियमित सेवन से शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ। गाजर आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो पाचन में सहायता करता है और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है। फाइबर कब्ज को रोकने में भी मदद करता है और कोलन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। सपोर्ट स्किन हेल्थ। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी के साथ त्वचा को सूरज और पर्यावरण प्रदूषकों से होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। वे कोलेजन उत्पादन में भी योगदान देते हैं जो त्वचा को दृढ़ और युवा बनाए रखता है। छी, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अपनी प्राकृतिक मिठास के बावजूद गाजर में अपेक्षाकृत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका अर्थ है कि वे रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से वृद्धि नहीं करेंगे। यह उन्हें मधुमेह वाले लोगों या अपने रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। सात, हृदय स्वास्थ्य। गाजर में मौजूद फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद करके हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। आठ, वेट लॉस। गाजर में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है जो इसे एक पेट भरने वाला स्नैक विकल्प बनाता है, जो तृप्ति की भावना को बढ़ावा देकर और समग्र कैलोरी सेवन को कम करके वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। अब हम जानते हैं कि गाजर खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक, हाई शुगर कंटेंट। गाजर में प्राकृतिक शर्करा होती है, हालांकि कुछ अन्य फलों और सब्जियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम मात्रा में। हालांकि यदि गाजर का अत्यधिक सेवन किया जाए, विशेष रूप से मधुमेह वाले व्यक्तियों द्वारा या चीनी का सेवन करने वाले लोगों द्वारा, तो गाजर में मौजूद प्राकृतिक शर्करा रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि में योगदान कर सकती है। दो, बीटा कैरोटीन का अधिक सेवन।
जबकि बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। गाजर जैसे बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से कभी कभी कैरोटिनेमिया नामक स्थिति हो सकती है। कैरोटिनेमिया के कारण त्वचा पीली या नारंगी हो जाती है, विशेषकर हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों जैसी मोटी त्वचा वाले क्षेत्रों में। हालांकि यह हानि रहित है, फिर भी इसे पीलिया समझने की भूल की जा सकती है। गाजर का उपयोग उस व्यक्ति को उपयोग नहीं करना चाहिए जिसे गाजर से एलर्जी है। इसमें मेन विटामिन के होता है, जो वारफारिन जैसी रक्त पतला करने वाली दवाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी दवाएं लेने वाले लोगों को बड़ी मात्रा में सेवन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। गाजर में आजकल कीटनाशकों का उपयोग होता है, इसलिए गाजर को धोने धोकर खाना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें, जिससे उसे भी यह जानकारी मिल सके। आप यदि कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।